हौसले बुलंद हैं, ऐसा कहते हैं वजीर आला बलोचिस्तान। दहशत गर्दों के सामने डटे हुए हैं और डट कर इनका मुकाबला कर रहे हैं। जालिमों ने हमारी एक नस्ल को तबाह कर दिया, ऐसा बोले वजीर आला बलोचिस्तान। हम इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, बलोचिस्तान में भी फैसला कुन ऑपरेशन करेंगे, ऐसा कहते हैं वजीर आला बलोचिस्तान। और कहते हैं कि 4 रोज कबल शवाहिद दिए थे, रॉ दहशत गर्दी में मुलविस है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि वजीर आला बलोचिस्तान सनाउल्ला जहरी ने सिविल अस्पताल क्वेटा का दौरा किया है। वजीर आला बलोचिस्तान की जख्मियों की इयादत, कहते हैं दहशत गर्दी के खिलाफ हौसले बुलंद हैं, दहशत गर्दों के सामने डट कर खड़े हैं और इनका खात्मा करेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान ने मजीद कहा कि जालिमों ने हमारी एक नस्ल को तबाह कर दिया, दहशत गर्दों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा, हम इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, बलोचिस्तान में भी फैसला कुन ऑपरेशन किया जाएगा। यह कहना था वज़ीर आला बलोचिस्तान का। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, वजीर आला बलोचिस्तान कहते हैं 4 रोज कबल शवाहिद दिए थे, रॉ दहशत गर्दी में मुलविस है। वजीर आला बलोचिस्तान ने दौरा किया है सिविल अस्पताल क्वेटा का, जहां पर जख्मियों की इयादत की है। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि दहशत गर्दी के खिलाफ हौसले बुलंद हैं, दहशत गर्दों के सामने डट कर खड़े हैं और इनका मुकाबला कर रहे हैं, इनका खात्मा करेंगे। दहशत गर्द जहां भी होंगे इनको निशाना बनाया जाएगा। जालिमों ने हमारी एक नस्ल को तबाह कर दिया, हम इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, बलोचिस्तान में भी फैसला कुन ऑपरेशन करेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान ने मजीद कहा कि 4 रोज कबल शवाहिद दिए थे, रॉ दहशत गर्दी में मुलविस है। वजीर आला बलोचिस्तान ऐसा कहते हैं, उन्होंने सिविल अस्पताल क्वेटा का दौरा किया है। नहीं करेंगे, और कोई ये समझता है कि इस तरह के वाकयात करके हमारे हौसले पस्त कर देंगे और हम पीछे हट जाएंगे, तो ये उनकी भूल है। और मैं उन जख्मियों को जो CMH में है, जो BMC में है, उनको मैं दाद देता हूं उनके हौसले को। कल जिस तरीके से उन्होंने वो किया, उन्होंने बलूचिस्तान का, बलूचिस्तान के आवाम का, बलूचिस्तान की जो रवायतें, उनका जो है सर फ़ख्र से बुलंद किया, मेरा भी सर उन्होंने फ़ख्र से बुलंद किया। जिस हौसले के साथ उन्होंने बात की प्राइम मिनिस्टर के साथ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ, और जिस तरह उन्होंने कहा कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ आप लड़े हम इंशाल्लाह अपना जो फर्ज होगा, जुबान का, कलम का, जो भी हमारा फर्ज होगा, हम अपनी लड़ाई भी इनके खिलाफ लड़ेंगे। सर, ये कल का जो वाकया था, इसके बाद कोई ऑपरेशन किए, कितने लोग गिरफ्तार किए, कुछ के हवाले से? काफ़ी लोग हमने गिरफ्तार किए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कैमरे के सामने हम बता नहीं सकते हैं। वजीर आला बलोचिस्तान ने सिविल अस्पताल का दौरा किया है, मजीद जानेंगे वतन यार से। वतन यार बताइएगा, वजीर आला बलोचिस्तान क्या कहते हैं, उन्होंने सिविल अस्पताल का दौरा किया है, जख्मियों की इयादत की है? जी बिल्कुल, वजीर आला बलोचिस्तान ने आज सिविल अस्पताल क्वेटा का दौरा किया है, उन्होंने CMH का दौरा भी किया था। और इस दौरान वजीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि ये बलोचिस्तान का स्याह तरीन दिन है, और ये जो है बहुत बड़ा सानहा है। इन्होंने कहा था कि बुजदिल दहशत गर्दों को अब कहीं भी पनाह नहीं मिलेगी, हम हर जगह टारगेट करेंगे इन दहशत गर्दों को। वजीर आला का ये भी कहना था कि क्वेटा धमाका जो है वो रा ने कराया है, और हम बहुत जल्द, मैं खुद सबूत जो है वो वजारत खारजा को दूंगा। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान भर में क्वेटा समेत सिक्योरिटी सख्त करने के लिए कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अवाम भी दहशतगर्दी के खात्मे में मुकम्मल तौर पर, दहशतगर्द जहां भी होंगे उनको बलोचिस्तान में निशाना बनाया जाएगा, ऐसा कहते हैं वजीर आला बलोचिस्तान।